नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हजरत, आलमी सतह पर एक सवाल करेंगे कि इस वक्त सऊदी अरब जो है पूरा अपनी रविश से मुनहरिफ हो रहा है और हाल ही में उसने तबलीगी जमात पर भी पाबंदी लगा दी है, तो हिंदुस्तान में एक बेचैनी सी फैली है हर जगह, तो इस पर आप तो आलमी सतह का दौरा करते हैं। जी, ये तो हम बहुत पहले इन हालात से गुजर चुके हैं। मैं एक जुमले में सिर्फ ताजदार अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला ने हमारा तजर्बा क्या और हमारा मुशाहिदा क्या, ताजदार अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने तो एक जुमले में सऊदियों की उन तमाम नहूसतों को और उनकी तमाम कबाहतों को और शरंगेज़ियों को बयान फरमा दिया कि तेरे नबी के चमन को किया बर्बाद, इलाही ये नजदी निकले बला मदीने से। ये एक बला है उम्मत मुस्लिमा के लिए और बला ही के लिए अंग्रेज़ साम्राज ने इस तबके को कायम किया था और वो बला मुख्तलिफ दौर में अपना काम करती रही। अब ये बलाएँ आपस में कभी कभी टकरा भी जाती हैं, तो उस पर हम क्या कह सकते हैं। अल्लाह ताला हमें बलाओं से महफूज फरमाए और सऊदिया नहीं बल्कि हिजाज़ मुक़द्दस जो हमारे दिलों का मरकज़ है हरमैन तैयबैन, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए। उसकी सरज़मीन से तो नूर इस्लाम पूरे दुनिया में फैला, आज भी वो किरणें हैं, उन्हीं किरणों को बिखरना चाहिए। खुदा करे कि जिस तरह से हमारे असलाफ ने हमारे उलमा ने वहाँ की सरज़मीन से दीन की खिदमत की, ऐसे उलमा पैदा हों। हम आज के उलमाए सऊद जो यहूद की मुताबकत में हैं उनसे बिल्कुल मुतमइन नहीं हैं, ये तो उनकी राह पे चल रहे हैं। खुद कफील होना चाहिए, तो किस तरह से खुद कफील होना चाहिए? वो ट्रस्टियान पर या चंद मस्जिद के चंदों पर ही मुनसिर होते हैं और उसी पर गुजर बस, किस तरह से आज के दौर का मुकाबला हमारे उलमा करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुद कफील होने का मतलब ये होता है कि अइमे किराम अपनी आमदनी के ज़राए पैदा फरमाएं, हलाल ज़राए, और ट्रस्टियान को अइमे किराम के साथ बेहतर सलूक करना चाहिए, उनको अपनी कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाहें दें और अइमे किराम की इज़्ज़त करें, उनका अदब करें और उनकी ज़रूरियात पूरी करें। यह सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन अइमे किराम उस वक्त तक के बासर नहीं हो सकते जब तक के ये खुद कफील नहीं होंगे, जब तक के ये अपने लिए अपनी आमदनी के ज़राए ख़ुद नहीं पैदा करते। और जिस दिन अइमे किराम अपनी आमदनी के ज़राए ख़ुद पैदा कर ले जाएंगे, उस दिन इंशाअल्लाहुल अज़ीम इनके अंदर मज़बूती आ जाएगी। फिर इन पर कमेटी असरानंदाज़ नहीं होगी, बल्कि ये कमेटी पर असरानंदाज़ होंगे और किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, बल्कि इनके दबाव में दूसरे लोग काम करने लगेंगे। और आज ये बहुत बड़ी परेशानी है कि हमारे अइमे किराम चूँकि फाइनेंशियली तौर पर कमज़ोर होते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये दबाव में आ जाते हैं और दबाव में आने की वजह से बहुत सारी जगहों पर हकीकतें दब जाती हैं और बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए अइमे किराम से गुजारिश है कि अइमे किराम हलाल रोज़ी कमाने की तरफ तवज्जो दें, और इसमें कोई शक नहीं है कि हलाल रोज़ी कमाना ये अंबिया कराम की सुन्नत है, सहाबे कराम की सुन्नत है, बुजुर्गान दीन की सुन्नत है, और ये तवक्कुल के मुनाफी नहीं है और न ही इमामत के मुनाफी है कि इमाम ये कोई काम नहीं कर सकता है। ये ख्याल बिल्कुल गलत है और इस तरह के ख्यालात को हमें छोड़ देना चाहिए। हाँ, मुअज़्ज़ज़ पेशा अपनाने में किसी तरह से कोई झिझक नहीं होना चाहिए। पेशा मुअज़्ज़ज़ हो और आदमी की सिर्फ़ तवज्जो इस बात पर हो कि हम हलाल रोज़ी कमा रहे हैं, तो हलाल रोज़ी कमाने पर उसे फ़ख्र होना चाहिए, ना ये कि नज़र व नियाज़ जितना मिल जाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो दूसरे डोर से जो हमारी कमाई हो जाती है उस पर बंदे को फ़ख्र नहीं करना चाहिए। हर इमाम को क्या, बल्कि हर मुसलमान को फ़ख्र इस बात पर होना चाहिए कि वह किस कदर हलाल रोज़ी पर इक्तफा करता है। हलाल रोज़ी कमाना बताते ख़ुद एक इबादत है और बहुत अहम है। काफ़ी दूर दराज के और बैरून ममालिक से भी उलमाए किराम तशरीफ़ लाए, तो किस सिलसिले में ये प्रोग्राम था और उनवान क्या था और मकसद क्या था इसका? सबसे पहले तो मैं मशकूर और ममनून हूँ मुअज़्ज़ज़ीन उलमाए किराम का, मेहमानाने गिरामी का, जो आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आज का मौजू नहायत ही अहम था, असर हाज़िर के तकाज़े और उलमाए किराम की ज़िम्मेदारियाँ। हमारे लिए सआदत की बात थी कि आज के इस
इल्मी फ़िक्री नशिस्त में आलमी इल्मी कद्दावर शख्सियात तशरीफ़ लाएँ। उनमें मुबल्लिग़ आज़म, मुबल्लिग़ इस्लाम और मुफ्ती आज़म यूरोप अल्लामा मुफ्ती शफ़ीक़ुर रहमान साहब क़िबला, और अदीब शहीद अल्लामा वारी जमान साहब क़िबला क़ादरी, मुफक्किर इस्लाम अल्लामा डॉक्टर अनवार अहमद साहब क़िबला बगदादी, और मुहक़्क़िक़ अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला, और बहुत सारे उलमाए कराम, और ख़ास तौर पर शहर ममरा और मुज़ाफ़ात ममरा के उलमाए कराम तशरीफ़ लाए। असर हाज़िर का बहुत बड़ा चैलेंज है उलमाए कराम के लिए कि बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने सर उठाए हुए हैं, तो उलमाए कराम की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं इस मौज़ू पर नहायत मुफीद और कारआमद बातें हमारे इन मुअज़्ज़ज़ीन ने फरमाई, बहुत ख़ूबसूरत अंदाज़ में रहबरी और रहनुमाई फरमाई, और इंशाअल्लाह उम्मीद कवी है कि इस तरह की इल्मी और फ़िक्री नशिस्त मुनक़िद होगी और हमारे उलमा में बेदारी आएगी, और जब उलमा बेदार हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी कौम के अंदर बेदारी का जज्बा पैदा होगा। Thank you.